हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ कल्पना और आज मैं बना रही हूँ दूध के पिच्छे। इसके लिए हमें चाहिए चावल का आटा, जिसका मैंने डो तैयार कर लिया है, दूध, पौन लीटर, खोया, मैंने पेड़ों को लेके उसे मैश करके उसका खोया बना लिया है, और चीनी आधा कटोरी। अब ये चावल का डो मैंने कैसे तैयार किया है वो मैं बता रही हूँ। पहले मैंने चावल का आटा लिया, फिर एक बर्तन में पानी को उबाला। अब चावल के आटे में उस गर्म पानी को मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और इसे मिलाते जा रही हूँ। चावल के आटे में गर्म पानी बहुत सावधानी से थोड़ा थोड़ा करके डालना है। क्योंकि भूल से ज्यादा पानी पड़ जाने से ये बिल्कुल गीला हो जाएगा। ये आटा इस ढंग से तैयार हो गया। अब इसे हाथ से मैश करके एक सॉफ्ट डो बनाना है। कुछ इस तरह से। अब पिट्ठों को भरने के लिए मैंने थोड़ा सा चावल का आटा लिया और उसे गोल कर दिया बॉल की तरह, और उसके बीच में अंगूठे से दबा दबा के एक कटोरे जैसा स्पेस बनाना है। ये कटोरा जैसा बन गया है। अब इसके बीच में खोया रखना है और इसे हल्के हाथों से इसका मुंह बंद करके इसे फिर से गोल कर देना है। कुछ इस तरह से। हम लोग और भी पिट्ठों के गोले तैयार कर लेंगे। इसे अंगूठे से दबा दबा कर कटोरे के शेप में लाना है और बीच में खोया डालना है। खोया इतना ही डालना है जिसमें कि मुंह अच्छे से इसका बंद हो जाए और ये फटे ना, और इस ढंग से गोल कर देना है। ये सारे पिट्ठों के गोले तैयार हैं। अब मैंने दूध को उबाल लिया है। अब इस उबले हुए दूध में मैं एक एक करके सारे पिट्ठों को डाल दूंगी। इसमें उतने ही पिट्ठे डालने हैं जो कि इसके तह तक अट जाए। ये दूध थोड़ा उबलने लगा है। जब दूध ऊपर आने लगे तो आंच को कम कर देंगे और इसे थोड़ा चलाते रहेंगे बीच में, ताकि ये नीचे से सटे ना। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे चलाना है। इसे 15 मिनट तक हमें पकाना है। 15 मिनट बाद ये करीब पक चुका है। इसका कलर देखिए चेंज हो गया है और ये थोड़ा ऊपर भी आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये मैंने इसे आंच से उतार दिया है। अब मैं इसमें आधा कटोरी के करीब चीनी डालकर मिला दूंगी। इसे
इसे निकाल कर मैंने इसमें इसके ऊपर केसर से सजा दिया है, और ये देखिए इसे काट के मैंने सजाया है। ये तैयार है पिक्चर। कृपया मेरे चैनल को